सो गाइज देख रहे हो सामने जो गेट आपको बताया था वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखो इस पहाड़ में मोस्टली क्या है कि पत्थर ज़्यादा है। आप यहाँ देखोगे भी घास का जैसे एक प्लेन सा एरिया बना हुआ है, उसके बाद पत्थर बने हुए हैं। ये देखो पत्थर बोलते हैं यहाँ पे, वो देखो पत्थर कितने हैं, मतलब ये जो ट्रैक है पत्थर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पहाड़ के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे और वो देखो कितने बड़े पत्थर ये पड़ेगा। हर पहाड़ी अपनी खासियत होती है, हर तरह का स्ट्रक्चर होता है पहाड़ का, तो यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको। बाकी आगे जाएगी और अलग से मिलेगा आपको देखने के लिए। तो कीप वॉचिंग, थोड़ी देर में वो नज़ारा दिखाता हूँ आपको। छूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे तेंदुआ और भालू और एक पक्षी है कौन सा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना भाई, तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। अभी जितना आप पीक पे पहुँचे अभी और रास्ता पड़ा है, जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भाई और कितना दूर है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जस्ट अभी तो स्टार्ट हुआ है, हम अप्रोक्स 4 किलोमीटर चल चुके हैं। स्टार्ट का मतलब तो अभी भाई मतलब और पड़ा हुआ है अभी बहुत सारा। बाकी नज़ारा आपको एक और कैम सा दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा आगे आइए और अब रास्ते में पेड़ और पत्थर यहाँ पे और बड़े बड़े दिखने लगे हैं। जैसे मैंने कहा था कि जितना आगे जाते रहेगा उतना थोड़ा और पहाड़ का जो अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो वैसे ही अब यहाँ पे पेड़ भी स्टार्ट हो चुके हैं और पत्थर अब और बड़े बड़े हो। अब देखो पत्थर कितना बड़ा है और आगे का देखो नज़ारा, यार क्या खूब है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नज़ारा क्या खूब होता जा रहा है। देखो कभी कभी बीच में रास्ता इजी है, कभी कभी डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग में जो आपको रहेगा ट्रैक वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, पर बीच में आते आते आपको बहुत आसान मिलेगा। अभी तक आसान है क्योंकि कुछ इस तरह का रास्ता है, बाकी आगे जैसा भी आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो कीप वॉचिंग, हर हर महादेव। धूप तो है पर उतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि एक तो हम माउंटेंस पे, दूसरा वेदर यहाँ पे ठीक है। बट फिर भी अगर आप स्टे करना चाहते हो या आपको पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, मंदिर में शाम हो जाती है, तो जैकेट मस्त है, वो आपको लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी ना भाई तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, सर्दी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तो अपना कपड़ों वपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना और टॉर्च ज़रूर लेके आना यार, टॉर्च बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे चलते चलते रात हो जाए या वापसी में रात हो जाए तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं देखने को मिलेगी। यार जो नेचर है उसके बहुत ही खूब
रहा यार। भाई कह रहा है घंटे और ज्यादा है, इससे ज्यादा चढ़ाई है तो कुछ भी नहीं है अभी, ऐसे शुरू होगा। चलो चलो मैं चला के जाऊं भैया। गाड़ी खड़ी नीचे कुछ दिक्कत तो नहीं है रास्ते? ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं, रोड पे खड़ा है, रोड पे कोई दिक्कत नहीं, हट्टी जाने वाले रोड पे। हां हां, कोई दिक्कत नहीं है। वो सुना है तुमने, सीएम फंस गया, सीएम फंस गया, अब वो आलू है। चलो 10 घंटे लगा देंगे। अच्छा जी, करा जी, सही सही बताओ सानू। तो क्या हो रहा है? अच्छा, चक्कर नहीं गाड़ी का, हमारी वहीं खड़ी है। हाँ यार, वैसे तो खड़ी होती है बंदों की, पर करा 10 घंटे तो मार के पूरी एनर्जी में है। करा भी तो कुछ भी करण सिंह, बाकी भाई कह रहे हैं कि अभी भी 10 घंटे बता रहे हैं, और जो ट्रैक है अभी कुछ भी नहीं है, और ज्यादा पीक वाला मिलने वाला है। बोल रहे हैं कि अभी तो इतनी ज्यादा कुछ भी चढ़ाई भी नहीं है यार। फोटो बनाया अभी तो अगर चढ़ाई चढ़ होगी बहुत। फोटो बना यहाँ पे, बिल्कुल भाई बना यहाँ से। ये है वो जो कह रहे थे हम यहाँ खड़े थे बंदे, हर घड़ी जो मिली मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पे हो यकीन वो लड़की है कहाँ। यहाँ ठंडा ना मौसम सा बिल्कुल। अप्रोक्स आया है 6 किलोमीटर, जिसमें कि 11-12 किलोमीटर शायद रहता है अभी भी, और टाइम हो चुका है अभी 11 बजने वाले हैं। हमें लगता है कि 3-4 बजे तक पहुँच पाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी थोड़ा क्राउड आने लगा है। हर हर महादेव। सो अरे पीछे पीछे मैं बताता हूँ, जितना स्टार्टिंग में टफ लगा था ना, आगे आके उतना टफ नहीं है, थोड़ा सही है रास्ता। बाकी पानी वानी का थोड़ा सा है, पानी कैरी करके लाना पड़ेगा आपको काफ़ी आगे रास्ते तक, क्योंकि कोई प्रबंध नहीं है भाई पानी का। जितना भी सुनने में आया है वो कह रहे कि आधा घंटा और चल के पानी मिलेगा। बैठ गए अभी तो, जैसे कि कह रहे आधा घंटा चल के पानी मिलेगा, तो गाइज़ अपना पानी कैरी करके रखो। अगर जितने भी लोग हैं आप, उनके पास सबके पास एक एक बोतल ज़रूर होनी चाहिए। सो बाकी आप नज़ारा देख ही चुके हो, यहाँ से प्रॉपर जंगल स्टार्ट हो जाता है। सो भाई पीछे देखो यार, कितना बड़ा पत्थर है भाई। कायम आया बस, और वो दे उस अगला, और उस कितना बड़ा, और देखो आ जाओ सामने, देख रहे हो केव है, देखते हैं जाके क्या मिलेगा अंदर। क्या बोले बाबा, सब आपके हाथ में है। जानवर भी खाएगी गुहा। आगे रास्ता है, आगे बंद है, टैगी हुए बाकी में किसी जानवर के। हाँ नहीं, जानवर की नहीं है ये, पता क्यों? यहाँ मिट्टी बना रखी है, जिस तरह स्टोल स्टूल लगाता है बंदा कोई सा यहाँ पे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बाज बूस पड़े हैं ना, स्टोल स्टूल लगाता है बंदा यहाँ पे। सो भाई थोड़ा सा
लगता है डर क्या है। आजा फिर चले आगे। फिर एक पत्थर को देखो यार, चिप्स सब खत्म हो गया है। ककड़ियाँ खा रहे हैं हम, ककड़ियों पे आगे खीरा बचा है। तो हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि पानी भी नहीं है पीने को, और हमने जो पूछा है लोकल से वो कह रहे हैं कि आधा घंटा और चल के आगे पानी मिलेगा आपको। तो देख रहे हो अब, तो एक जना बता सकता है भाई अपना अपना हाल क्या हो रहा है। बता भाई क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं है बोलने। लकी रे बच्चों, 5 मिनट बाद रुका, सारा दिन रोक रहे चल रहा। अच्छा नमा चल दे रहा, दाव चल रहा, 5 मिनट बाद रुक रहा। करण के बारे में क्या कहा गया? करण को मैं दलेर अपना रुक दे, इंसान नहीं चढ़ रहा करे, इसका नहीं घुट हो रहा। सरेंडर आई है इसके, अबे ज्यादा हैं। आगे देखोगे तो पानी वानी की व्यवस्था मिल गई है भाई, सामने देखने को मिल रहा है कैंप टाइप है वहाँ पे। तो वहाँ देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। रास्ता तो खैर ठीक है, बट फिर भी थकावट तो होती है जब पानी नहीं मिलता, तो बॉडी में वीकनेस ही महसूस होती है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो पहाड़ी है, पहाड़ी गाने वगैरह लगा के डांस भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग डांस कर रहे हैं। तो वहाँ देखोगे सामने एक शॉप टाइप है, सो वहाँ से खाना वाना भी देखते हैं कुछ क्या मिलेगा खाने को, बिस्किट चिप्स वगैरह कुछ, और पानी का तो चाहिए चाहिए अपने को। वारा पानी पीने का पानी हो रही है साफ। देखते हैं भाई पीछे क्या है इसके, ये पाइप लगा हुआ है।